और ये रही गीतों भरी कहानी वापसी। अर्जिंदर को बॉर्डर पर गए हुए आज 3 साल हो गए थे। 3 साल में उसे कोई छुट्टी नहीं मिली थी। कम्मो और अर्जिंदर की शादी हुए आज 8 साल हो गए थे। शादी के 1 साल बाद अर्जिंदर को भारतीय सेना में नौकरी मिल गई थी। पहले अर्जिंदर को हर साल छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन अब लगातार 3 साल हो गए थे उसे घर आए हुए। उसकी गैर हाजिरी में कम्मो अपने दोनों बेटों के साथ घर में रहती थी और आज कम्मो अर्जिंदर के नाम एक चिट्ठी डाल के आई थी। बॉर्डर पर अर्जिंदर एक पहाड़ी पर बैठा था। पिछले आधे घंटे में कम्मो की चिट्ठी को जेब से निकालकर 3 बार पढ़ चुका था। बार बार चिट्ठी निकालता था, पढ़ता था, फिर जेब में रख लेता था। इतने में उसका जिगरी दोस्त सुच्चा भी आ गया। सुच्चा आते ही बोला, क्या बात है अर्जिंदरा, बड़ा बेचैन है। अर्जिंदर बोला, कम्मो की चिट्ठी आई है, लिखती है छुट्टी लेकर घर आ जाओ थोड़े दिनों के लिए। सुच्चा, तो बड़े साहब से बात करनी थी। अर्जिंदर बोला, मैंने बड़े साहब से बात की है, उन्होंने कहा है कि शाम तक बताऊंगा। सुच्चा, मैं भी सोच रहा हूं तू बार बार चिट्ठी क्यों पढ़ रहा है। अर्जिंदर, ओ यार सुच्चे, बॉर्डर पर ये चिट्ठियां ही तो सहारा है हम लोगों का। यही चिट्ठियां ही घरों के दुख सुख संदेश लाती हैं। घर कब आओगे,
घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संजय से आते हैं हमें डर पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। चकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गांव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गांव सूना सूना है। सुच्चा दौड़ता हुआ दूर से आ रहा था। आते ही बोला, ओए रजिंद्रा, ओए जाओ घर, तेरी छुट्टी मंजूर हो गई होए, ओए ये छुट्टी मंजूर का लेटर साहब ने दिया होए, ओ जा कर, ओए तुझे 2 महीने की छुट्टी मिल गई है। रजिंद्र बोला, ओए खुश कीता होए, मैं अभी कमों को टेलीग्राम देके आता हूँ कि मैं कल घर पहुंच रहा हूँ। कमों घर में बैठी सोच रही थी, आज 1 सप्ताह हो गया था अर्जिंदर की चिट्ठी लिखे, इसका कोई जवाब नहीं आया था। कम्मो सोच रही थी, शायद अर्जिंदर को छुट्टी नहीं मिली होगी। इतने में किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। कम्मो ने दरवाजा खोला तो सामने पोस्टमैन खड़ा था। पोस्टमैन ने कम्मो को टेलीग्राम दिया। कम्मो की समझ नहीं आ रहा था ये टेलीग्राम किसने भेजा है। जब उसने टेलीग्राम खोलकर पढ़ा तो खुशी से झूम उठी। शाम की गाड़ी से अर्जिंदर घर पहुंच रहा था। उनको भी मेरा इंतजार।
कदमों में उनके ही संसार है, ये तो जन्मों जन्मों का प्यार है। कदमों में उनके ही संसार है, ये तो जन्मों जन्मों का प्यार है। साजन मेरा ऐसा पहली बार हुआ था जब अरजिंदर की छुट्टी कैंसिल हो गई थी। 15 दिन बाद ही अरजिंदर को वापस बुला लिया गया था। सीमा पर दुश्मन देश के साथ युद्ध शुरू हो गया था। अरजिंदर का सामान कमों ने बांध दिया था। अनमने मन से अरजिंदर ने सामान उठाया, सोच रहा था शायद कमों से एक आध दिन रुकने को कहेगी, पर कमों ने एक बार भी नहीं रुकने को कहा। दुश्मन देश के साथ चल रही जंग में हो सकता था अरजिंदर की जान भी चली जाती, पर कम्मों ने अरजिंदर से कहा, देश को इस समय तुम्हारी जरूरत है। अरजिंदर ने आखिरी बार जाने से पहले घर की ओर देखा और सोचने लगा, शायद मैं दोबारा ना देख सकूं। बच्चों को प्यार दिया, घर की ओर मुड़कर देखकर वो चल पड़ा। है जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो। चलता हूँ जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ 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 तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो। Oh,
तो चलूं तो चलूं ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो अजिंदर सर पे कैप लेकर अपने जंगी जहाज की ओर बढ़ा। पीछे से सोचा बोला, अजिंदरा ये तेरा बहुत खतरनाक मसूबा है। अजिंदर बोला, सोचा फिकर ना कर, कुछ नहीं होगा मुझे। आज मैं दुश्मन का हथियारों का अड्डा नष्ट कर दूंगा। सोचा ओ यार ख्याल रखना अपना, तुम बहुत ही खतरनाक खेल खेलने जा रहे हो। अजिंदर बोला, सोचा सैनिक होते ही देश पर मिटने वाले हैं, पर तू फिकर ना कर, मैं वापिस जरूर आऊंगा। अजिंदर के पापड़ तोड़ हमलों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। अजिंदर ने दुश्मन के हथियारों के जखीरे पर हमला कर दिया। उसके सभी हथियार उसने नष्ट कर दिए। हिंदुस्तान की कसम,
हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। और अचानक दुश्मन के एक रॉकेट लॉन्चर ने अजेंदर के जंगी जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। अजेंदर और उसके जंगी जहाज का कुछ नहीं पता चला, कहीं नामो निशान नहीं मिला। पूरे देश के रेडियो पर अजेंदर की बहादुरी और शहादत के समाचार आ रहे थे। देश की आन शान की खातिर अजेंदर ने अपने प्राण निशावर कर दिए, वतन की आन की खातिर शहीद हो गया वो। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जश्न के बाद है जिंदगी, मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर
सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। छूने पाए ना सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अलजिंदर के गांव में एक शोक सभा रखी गई। अरजिंदर को पद्मश्री का खिताब दिया गया। कम्मों ने बड़ी सभा में कहा कि अपने बच्चों को भी वो सेना में ही भर्ती करवाएगी। उनके पिता जानी अरजिंदर की बहादुरी की बातें उनको सुनाती, उन्हें बताती कैसे उनके पिता ने देश की खातिर जान दे दी। उन दोनों बेटों को सेना में भर्ती करने के लिए वो तैयार करने लग गई थी। और अचानक 3 साल बाद एक दिन एक और घटना हुई। रात को 10 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब कम्मो ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। सामने अरजिंदर खड़ा था। कम्मो अरजिंदर से लिपट कर रोने लग गई। दोनों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरजिंदर ने बताया पड़ोसी देश में सीमा पर एक रहमत नाम के आदमी ने उसे 3 साल तक घर में रखा। जहाज हादसे में अरजिंदर बुरी तरह जख्मी हो गया था। रहमत की मरहम पट्टी और इलाज से अरजिंदर धीरे धीरे ठीक हो गया और रहमत ने सीमा रेखा पार कराने में भी अरजिंदर की मदद की थी। अरजिंदर ने कहा कम्मो दूसरे देश में भी हमारे जैसे इंसान ही रहते हैं, कोई दुश्मन नहीं है, हमारे रहबरों ने हमें बांट दिया है, धरती ना घटती है ना बढ़ती है। आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानो होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। इंसान जमीन के टुकड़े के लिए इंसानों की जान ले लेते हैं। लड़ाई झगड़े करने से कोई मसला नहीं निपटता। दुनिया का हर फैसला आखिर टेबल पर बैठकर होता है। जिस धरती को हमने स्वर्ग का नाम दिया है वहां हमने इंसानों की जाने ले लेकर नरक से बदतर कर दिया है। इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं होने वाला। ये थी गीतों भरी कहानी वापसी वापसी वापसी।